नवलगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में प्रधान दिनेश हुंडा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायक विक्रम सिंह जाखल के समक्ष सरपंचों ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए गाँव में कार्यों की जांच करवाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करवाने की मांग की। सरपंचों ने बैठक में जल जीवन के तहत हुए कार्यों को लेकर मुद्दा उठाते हुए कहा कि कनेक्शन के नाम वसूली की गई। गोठड़ा गांव में सीमेंट फैक्ट्री को लेकर मुद्दा उठाते हुए सरपंचों ने पॉल्यूशन नियंत्रण की मांग करते हुए सीमेंट फैक्ट्री को पाबंद करने की मांग की। बैठक में सड़क किनारे विद्युत पोल को हटवाने की मांग करते हुए अवगत करवाया गया कि सड़क किनारे विद्युत पोल होने के कारण हादसे होते रहते हैं। बैठक में नवलगढ़ विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की जो योजना है उसमें बड़े घोटाले की बात को लेकर के और यहाँ सदन में सबके बीच जनप्रतिनिधियों की सारी समस्याएं सुनी है और सुनने के अलावा मैंने भी विधानसभा के चुनाव में सब कुछ देखा भी है। देखने को लग रहा है कि अधिकारियों से चर्चा में ये सामने आया है कि हम 5-7 दिन में इस पर पूरा अमल करेंगे। अमल के बाद एक कमेटी भी गठित करेंगे। उसके अलावा इन्होंने एक जो ठेकेदारों के हाथ में जो अपना जल जीवन मिशन का सारा काम छोड़ दिया, मुझे तो सबसे बड़ी ये गलती नज़र आ रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपको कि मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। सरपंचों ने बदराना जोड़ को लेकर भी ज्ञापन दिया है। बदराना जोड़ को लेकर के सरपंचों ने जो ज्ञापन दिया है उसी लाइन पर मैं चल रहा हूँ। बदराना जोड़ खाली होना निश्चित है और इनकी इनके मन की बात विधानसभा की, सरपंचों के मन की बात विधानसभा की जनता ने भी रखी है 25 नवम्बर को, उसको सफल कर दी उन्होंने मतदान के रूप में। और अब मैं पूरा यही काम करूंगा कि बदराना जोड़ निश्चित रूप से खाली हो, तारबंदी हटे और हटने के बाद मेला भरे। इन सरपंचों का मान सम्मान उस बदराना जोड़ में ही करूंगा। फैक्ट्री में प्रदूषण को लेकर के ये सब लोगों की समस्या है। कल मैंने वीडियो भी देखा, एक महिला भी खत्म होगी। ब्लास्टिंग भी ब्लास्ट क्या है, फैक्ट्रियों में माइनिंग करने के कामों में ये लोग बड़ी लाख लाख पेड़ से कोई भी NOC ले आते हैं, चाहे वो ब्लास्टिंग की हो, चाहे प्रदूषण की हो, चाहे वन विभाग की हो। मैं इन सब पे पूरा ध्यान रखते हुए और इनके खिलाफ जितनी कार्रवाई होनी चाहिए वो जम के करूँगा। क्यों कि वहाँ के किसानों और नौजवानों की बात सुनने के अलावा मुझे फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कल कारखाने यहाँ लगे, काम बढ़े, रोजगार मिले, पर रोजगार को तो यहाँ सीमेंट फैक्ट्री ने तो खुद ने अपने मुट्ठी में ले रखा है, कोई यूपी बिहार के लोगों को ला रखा है। मैं तो चाहूंगा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौजवान को और किसान को काम मिले। पंचायत समिति में जो मिनी सचिवालय बन जाए उसकी गुणवत्ता को लेकर भी आज, हाँ, मिनी सचिवालय के गुणवत्ता को लेकर आदरणीय हमारे ताऊ जी भामू जी खिरोड़ सरपंच साहब ने खूब रखी है बातें और वो हमने नोट करवा ली है। अगली मीटिंग के अंदर इससे पहले कमेटी गठित होगी, होकर के सब लोग बाग वो एकदम उनकी निगरानी में वो काम होगा, चाहे वो उन्होंने गिट्टी का भी, बजरी का भी, सीमेंट का भी, काम का हर चीज। और उनका कहना भी सही था क्योंकि जो मिनी सचिवालय उसमें कितने ऑफिस जाएंगे, कितने लोग बैठेंगे, तो बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस लागत के साथ सरकार के जितने पैसे मंजूर हुए हैं वो सब के सब मिनी सचिवालय में लगेंगे। सर, एक अधिकारी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है तो उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश? ये क्या है कि पिछले समय की बात है, कांग्रेस के राज में ना तो कोई विधायक जवाबदेही के लिए था, ना कोई अधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का राज आया, कुछ समय रुक जाओ, सब जवाबदेही वाले मिलेंगे आपको।